कुलदीप बैते FIR तो साबका कांग्रेस विधायक कुलदीप बैते मामला दर्ज हुआ है। तय लिमिट तो वध शराब रखने के मामले से FIR दर्ज की गई है। साबका कांग्रेस विधायक ने कुलदीप बैद जिन्हों से मामला दर्ज किया गया तय लिमिट तो वध शराब रखने के मामले के उन्होंने FIR दर्ज की गई है। एक्साइज एक्ट के तहत एक केस दर्ज किया गया। घर तो 73 बोतलां बरामद हुई ने। उन्होंने घर कल रेड की गई सी। कल विजिलेंस ने रेड की सी जिस दौरान यह शराब मिली सी। महंगिया विदेशी ते भारतीय शराब दियां 73 बोतलां ने जो बरामद हुई ने और चंडीगढ़ की भी शराब जी है वह बरामद हुई है। कल विजिलेंस ने घर तो घर के आमदन तो बाद जायदाद के मामले रेड की सी और करीब 9 घंटे तक यह रेड चली सी। उस दौरान यह 73 शराब दियां बोतलां बरामद हुई ने। जिस बाद हुणे मामला दर्ज किया गया कुलदीप वैते FIR दर्ज की गई है। कल दियां तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं जिस वेले विजिलेंस की टीम पहुंची सी और छापेमारी की गई सी रेड की गई सी और हर तरीके दे नाल पुछगिछ भी हुंदी है इस सारे मामले नू लैके। रोहित गौर मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने। रोहित की कुछ होर जानकारी है जेकर रेड दे दौरान जिहड़ियां शराब दियां बोतलां मिलियां ने इस तों इलावा होर की कुछ बरामद होया है भी जानना चाहवांगे और दूजा इस मामले दे विच की कुछ अगे कार्रवाई वध रही है। जी बिल्कुल गुरजोत, मैं तुम्हें दस देना चाहना कि कल जिहड़े है बिजनेस विभाग वालों जी उन्होंने कोल गुप्त सूचना थी जिसके आधार से उन्होंने जी है रेड की सी कि आय तो ज्यादा जी संपत्ति हैगी है कुलदीप सिंह बैस के कोल हैगी है। तो उस चीज़ को लेकर ही उन्होंने रेड की। सवेरे 11 बजे तो रेड शुरू होकर रात के 10 बजे तक रेड चली है और लगभग इस रेड के दौरान काफ़ी दस्तावेज जोड़े है बिजनेस ने अपने अंडर लिते ने। तो दूजे पास जिस वे रेड चल रही थी उसी दौरान विदेशी शराब भी कुलदीप सिंह बैद के घरों निकली है जिस 73 बोतलां टोटल कही जा रही ने कि जी विदेशी शराब की बोतलों से। तो उन्होंने 7 बोतलां लगभग 7 तो 8 बोतलों जीडिया ने वो चंडीगढ़ शराब दियां है। तो चंडीगढ़ की जी शराब हैगी किसी भी स्टेट में लैके जाना और किसी कोई भी शख्स चंडीगढ़ तो अपने घर किसी अदर स्टेट लैके आता तो उस उत्ते गैर कानूनी तौर तरीके मनिया जाता है। तो जिसको लैके एक्साइज डिपार्टमेंट में सूचित किया गया कि विजिलेंस डिपार्टमेंट वालों उसके लुधियाना पुलिस ने भी उन्होंने वालों सूचित किया गया। जिस तो बाद एक्साइज डिपार्टमेंट वालों बनती कार्रवाई की गई है और मामला दर्ज कर लिया गया है और लुधियाना के पंजाब पुलिस पक्षों भी जी हूँ जी है कुलदीप सिंह बैद की जी है गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि गिरफ्तारी होने तो बाद ही कितने ना कितने जे कुलदीप सिंह बैद है वो अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरा करते हुए बेल की एप्लीकेशन जी है वो अगे लगा सकते हैं। तो जिनी देर तक हूँ कुलदीप सिंह बैद रियासत च नहीं आते हैं या गिरफ्तारी नहीं उन्होंने पैंती है तो तब ताई ये जरूर कहा जा सकता है कि कुलदीप सिंह बैद दी जी मुश्किल बढ़िया हुई नजर आ रही ने। जी कुलजोत ठीक है रोहित धन्यवाद है तमाम जानकारी लिए शुक्रिया। तो कुलदीप बैद साबका कांग्रेसी विधायक ने कुलदीप बैद और स्पोक्सपर्सन भी रहे ने कांग्रेस के अक्सर जो डिबेट्स होंदियां सन या फिर कोई भी मसला होंदा तो खुल के उन्होंने वालों सरकार का पक्ष उस वेले रखा जाता सी और पार्टी का पक्ष भी बाद हमेशा बड़ा पुरजोर रखते रहे ने। पर हुण मुश्किलों के वाधा होया कुलदीप बैद और मुश्किलों के वाधा होया और साबका कांग्रेसी विधायक के घर जो रेड हुई है तो उस दौरान 73 बोतलां दसिया जा रही ने। चंडीगढ़ की उस शराब सी और होर जी है वो शराब सी जिस जी कि बरामद हुई है।